तरह से मर चुकी भोजपुरी इंडस्ट्री को दोबारा जीवित करने का पूरा श्रेय मनोज तिवारी पे जाता है। जी हाँ, मनोज तिवारी एक ऐसे स्टार हैं जिनका रुतबा आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में है। पहले तो मनोज ने अपने एल्बमों से भोजपुरी इंडस्ट्री में नई जान फूंकी और फिर अपनी फिल्मों से उन्हें जीवंत कर दिया। ससुरा बड़ा पैसे वाला जैसी एक बड़ी हिट फिल्म देकर उन्होंने कई हजार लोगों के दिलों में एक आस जगा दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री फिर से चल सकती है, दौड़ सकती है। आज भले ही भोजपुरी फिल्मों में मनोज तिवारी कार्यरत नहीं है, लेकिन उनके इस कार्य की सराहना सभी करते हैं और आज वो बीजेपी के दिल्ली प्रमुख हैं और वो आजकल दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन इस सुपरस्टार की ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। हर कोई मनोज को भोजपुरी का अमिताभ बच्चन कहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भोजपुरी का ये नायक इतना तन्हा तन्हा और अकेला क्यों है? मनोज के आसपास तो बहुत ही शोर शराबा है, लेकिन निजी जीवन में इतना सन्नाटा क्यों है? तो चलिए आज हम इस चीज की पड़ताल करते हैं और बताते हैं क्या कारण है कि उनकी पत्नी उनसे अलग हो गई। 1999 में मनोज की शादी रानी से हुई। रानी बड़ी ही सुलझी हुई और नेक विचारों की महिला है और रानी हर तरह से अपने पति का सपोर्ट करना जानती हैं। रानी और मनोज के जीवन में सबसे बड़ी खुशी का क्षण तब आया जब उनकी बेटी ने जन्म लिया और रानी और मनोज का रिश्ता पहले से और भी गहरा और मजबूत हो गया। लेकिन एक कमी थी जो रानी को हमेशा खाए जाती, वो थी पति के साथ की। रानी पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है। रानी ये भी हमेशा से जानती थी कि मनोज तिवारी का जो प्रोफेशन है उसमें वो उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी हर एक पत्नी को एक ख्वाहिश रहती है कि उसका पति एटलीस्ट कुछ क्षण तो उसके साथ बिताए। उन दिनों मनोज कुछ ज्यादा ही बिजी रहा करते थे, कई फिल्मों की शूटिंग, साथ ही एल्बम्स की शूटिंग, कई दिन वो घर पर आते ही नहीं थे। कई दफा तो बच्ची का बर्थडे से लेकर मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी तक रानी ही अरेंज करती और लास्ट तक रानी ही मेहमानों की मेजबानी करती। बिजी शेड्यूल के कारण मनोज घर पर टाइम ही नहीं दे पाते। ये सब तो जैसे तैसे रानी बर्दाश्त करती रही, लेकिन हद तो तब हो गई जब रानी को पता चला कि मनोज तिवारी का अफेयर टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी से चल रहा है। उन दिनों श्वेता तिवारी भी अपने पति राजा के अत्याचार से काफी आहत थी और यहाँ मनोज तिवारी भी अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर जाने तक का यानी अपने परिवार से मिलने तक का मौका नहीं मिलता था। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि फिल्म स्टार का अफेयर सेट पर शुरू हो जाए, लेकिन रानी उन औरतों में से नहीं थी कि पति का ये द्रूप भी वो बर्दाश्त करे। मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी एक साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे और उन दिनों उनके अफेयर की खबरें हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन रही थी, जिससे रानी भी वाकिफ थी। रानी ने मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी के अफेयर्स को लेकर मनोज से काफी झगड़ा किया। हद तो तब हो गई कि इतने एलिगेंस के बाद भी, इतने बड़े झगड़े के बाद भी मनोज तिवारी श्वेता तिवारी के साथ फिल्में बदस्तूर जारी रख रहे थे। ये बात रानी को इतनी आहत की कि उन्होंने मनोज से अलग होना ही बेहतर समझा,
लेकिन बाद में मनोज को अपनी गलती का एहसास हुआ और मनोज ने रानी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी ने मनोज से दूर जाना ही बेहतर समझा। श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी के रिश्ते पर तब मोहर लग गई जब इन दोनों ने एक साथ कलर्स टीवी के कॉन्ट्रोवर्सियल शो बिग बॉस में एक साथ एंट्री ली। सभी को यकीन हो गया कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। हाँ, मनोज तिवारी ने शो में मेंशन भी किया कि उनका घर श्वेता तिवारी की वजह से ही टूटा। उनकी वाइफ को लगता है कि श्वेता तिवारी और उनके बीच अफेयर है, ये बात और। लेकिन इन दोनों ने कभी ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। अंततः 2012 में जाकर मनोज तिवारी और रानी का तलाक हो गया। कहा जाता है कि अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए मनोज तिवारी ने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन रानी का दिल था कि वो मनोज से पूरी तरह से टूट चुका था। रानी अपनी बेटी को लेकर मनोज से अलग हो चुकी हैं और अब उनकी बेटी उन्हीं के साथ रहती है। लेकिन आज भी मनोज तिवारी ने शादी नहीं की है और ना ही रानी ने दोबारा शादी की, लेकिन इन दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली है। हाँ, बेटी से मिलने मनोज तिवारी समय समय पर जाते रहते हैं और बेटी भी उनसे मिलने बराबर आती रहती है, लेकिन रानी से टूटा दिल का तार आज भी मनोज नहीं जोड़ पाए हैं। आज मनोज तिवारी बीजेपी के सबसे व्यस्त और सबसे गद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन आज भी वो भोजपुरी के संगीत प्रोग्राम, भोजपुरी के अवार्ड शो और भोजपुरी के स्टेज शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना बिल्कुल नहीं भूलते। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।